एवरीबडी अपनी बन रही है चाय सेटअप के साथ, दारू की बोतलें खोल खोल के बैठे हैं। माउंट आबू की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर राजस्थान। मैं श्री गंगानगर, ये रोड ही जहाँ जा रही है ना, जहाँ से शुरू होती है वहीं से इधर आइए। स्पेशली पर्स भी चेक हुआ, इन लोगों को ये रहता है कि यार पर्स के अंदर वो कोई अलग तरीके के नशे तो नहीं है। Hey, good morning everybody. आज न्यू ईयर एंड अभी जस्ट मैं उठा हूँ, थोड़ा नींद ढंग से पूरी नहीं हुई क्योंकि कल जहाँ हमने कैंप किया था वहाँ फिर थोड़ी शराबी आ गए थे, कम से कम 40-50 लोग। फिर हमने उस जगह स्टे नहीं किया, हम वहाँ से चले गए थे कहीं और गाड़ी के अंदर सोए। मॉर्निंग में दोबारा वहीं आके गाड़ी लगा के दोबारा सोए, तो कैंप करना इज नॉट ईजी। यहाँ भी नीचे उतरते हैं एंड बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। Hey, good morning from Mount Abu and अभी जस्ट मैं उठ चुका हूँ। Look at this everybody, कल हमने यहाँ कैंप किया था इस जगह पे, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच, एंड ये आप देख सकते हैं इस तरफ से अपनी गाड़ी का क्या शानदार लुक आ रहा है। मैं जस्ट भी उठा हूँ, नींद तो ज़्यादा पूरी नहीं हुई है, कल पार्टी में गए थे एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू गुरु शिखर, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, राजस्थान के सबसे हाईएस्ट पीक है वो, तो वहाँ जाएंगे। एंड नेक्स्ट प्लान इज रन ऑफ कच। एवरीबडी अपनी बन रही है चाय सेटअप के साथ, देख सकते हो अभी मैं हूँ माउंट आबू में। क्या खूबसूरत सेटअप है, लुक एट दिस। और इधर देखो माउंटेन्स ही माउंटेन्स, और इधर भी पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच अपने कल कार कैंप किया था। एक कोई जगह थी, एक कोई प्ले ग्राउंड था, तो यहाँ पे किया है। तो इधर यार भालू भूलू का भी बहुत खतरा रहता है, और हमने यहाँ पे कैंप सेटअप किया है। और आज के प्लान्स अभी थोड़ी सी देर में ऊपर जाएंगे, फिर रन ऑफ कच के लिए निकलने का प्लान है। देखो कैसे कैसे जगहों से होते हुए हम जा रहे हैं, मतलब यार कल हमारा जो स्टे था ना वो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ जो भी लोकल आया ना हमारे पास हमारे से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक ही बात बोली, भैया आप जिस जगह पे हो ना इस जगह पे नॉर्मल है, यहाँ पे लेपर्ड का ना रात में लेपर्ड आता ही आता है, इधर यहाँ भालू भी आता है, कहता बहुत बार आता है, आप तो बहुत लकी हो गए था जो आपको अभी तक नहीं मिला। कहता देखो यार माउंट आबू आओ तो यार कैंपिंग वैम्पिंग करनी हो तो आप पहले लोकल से पूछो फिर करो, ताकि थोड़ा मतलब आपको जगह का फिक्स आइडिया हो जाए। और कोशिश करो कि दिलवाड़ा के साइड तो बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि उधर भालू कुछ ज़्यादा आते हैं, और ये सारा ऊपर की तरफ तो शूटिंग जोन है। एवरीबडी फुल ट्रैफिक देखने को मिल रहा है माउंट आबू में, आप आगे की तरफ भी देख सकते हो फुल भर भर के भीड़। एवरीबडी यहाँ के रास्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं, और ऐसे ग्रीन ग्रीन रास्तों से होते हुए मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब आया था ना तो इनके पेड़ों के बीच में फॉग था, तो उस वजह से यहाँ के लुक और ज्यादा खिलके बड़ी खूबसूरत आ रही थी। इस बार वो नहीं है, लेकिन इस बार भी हमें अलग तरीके की ब्यूटी देखने को मिल रही है। तो ये देखिए हम मंदिर में चलते हैं, आज क्या नया दिन है, तो अंदर चल के नए दिन की शुरुआत भगवान को मत्था टेक के करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ईश्वर का नाम लेके नए दिन की शुरुआत करते हैं। और रास्ते में कई सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां आप रुक के फोटोग्राफी कर सकते हो, और यार ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहां लोग ना ऐसे जो व्यू पॉइंट है ना वहां दारू की बोतलें खोल खोल के बैठे हैं। देखो डांस चल रहा है इधर, देखो रोड के ऊपर एवरीबडी, ये गाड़ी खड़ी है रोड के बीचों बीच, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसी चीजें भी हो जाती है, थोड़ा ढंग से चलाना चाहिए लोग। एवरीबडी ये गुरु शिखर में हम अभी आए हैं, ऊपर की साइड में गुरु शिखर का व्यू है, और यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ छोटी सी मार्केट है जिसको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। तो भैया सोडा तो डेली पी रहे हैं, आज शरबत पीते हैं एनर्जी के लिए, भाई कहता शानदार बनाऊंगा मैं। यहाँ का नींबू का साइज दिखाइयो, ये अच्छा ये नींबू है, ये संतरा है, अच्छा मैं तो संतरा लग रहा भाई। ये अत्रि ऋषि की चरण पादुका है यहाँ पे, गुरु दत्त चरण पादुका, और व्यू देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ से बिल्कुल बादलों के बीच आ गए हम। एवरीबॉडी ये है माउंट आबू की हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर राजस्थान की भी हाईएस्ट पीक है, एंड इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है लोगों की, एंड लुक एट द व्यू जो यहाँ से दिख रहा है। एंड इस बार थोड़ा व्यू दिख रहा है, लास्ट टाइम तो यहाँ तक फॉग फॉग था, बादल थे, सर्दियों का टाइम तो थोड़ा दिख रहा है, बट भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। एंड भैया इनको आगे जाने दो रे यार, जाइए सर जाइए 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 जाइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बजा बजा अभी बजा आएगा ना हाँ हाँ गजब
रास्ता में यार सब कुछ ओपन है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहता यार। गाइज वो वहाँ पे व्यू पॉइंट है जो वो देख रहे हो ना, उसकी वजह से जाम देखो कितना लगा है। लोग कहीं भी गाड़ियां लगा के वहां जाके फोटोग्राफी कर रहे हैं यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। यही होता है जब पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव ना हो तो ये चीजें देखने को मिलेगी आपको टूरिस्ट स्पॉट पे। एवरीबडी ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा डैम बना हुआ है, इसी का ऊपर से भी दिखने को मिलता है, यहाँ से भी थोड़ी दूर में आप वहाँ जाके ट्रैक करके क्लोज भी जा सकते हो। माउंट आबू की खूबसूरत सी वाइब को यहीं छोड़ के आगे जाने की तैयारी हो गई है। जस्ट नीचे उतर रहे हैं और रोडो के आस पास गंदगी देखो कितनी फैला रखी है। जो टूरिस्ट आते हैं ना, मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, अपना पीना है पियो जहाँ मर्जी, बट यार गंदगी वंदगी ना अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाओ और आगे जाके से इनको कोई डस्टबिन वगैरह जहाँ भी आपको दिखे वहाँ डालो इनको, क्योंकि इतना खूबसूरत माउंटेन है, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, इसको यार ऐसे तो बर्बाद मत करो यार। इतनी प्यारी जगह बनी हुई है, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो, और गवर्नमेंट को भी ऐसे रूल बनाने चाहिए, कहीं भी पुलिस नहीं है तो पुलिस के नाके बढ़िया होने चाहिए। आबू रोड में हूँ मैं अभी और यहाँ से प्याज कचौरी ली है। देखिए अभी हम नियर बाई बॉर्डर आए गुजरात, क्योंकि राजस्थान पुलिस अभी निकली है तो आगे शायद गुजरात का आएगा चेक पोस्ट, तो ये यही कहीं है शायद चेक पोस्ट, एक एक गाड़ी चेक करेगी क्या। वो भी है बहुत है, अपने तो स्पेशल ये आगे साहब आगे सामने से अपनी गाड़ी को देखते हैं। ओके सर, ऑल इंडिया ट्रेवल पे हैं, भारत यात्रा चल रही है, 100 डेज ऑफ सफरनामा। जी जी, रहने वाले मैं श्री गंगानगर, ये रोड ही जहाँ जा रही है ना, जहाँ से शुरू होती है वहीं से श्री गंगानगर। मतलब कितना चल रहा है सर, 2 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, इसमें क्या मिलता है। अभी तो सर कोशिश ही है, कुछ नहीं मिलता। थैंक यू, बाय बाय। गुजरात बॉर्डर पे आए, गाड़ी को पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने चेक किया, जस्ट बिकॉज ऑफ की अल्कोहल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या ऐसी कोई नेगेटिव गलत चीज नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बढ़िया से चेक किया पूरी गाड़ी को। आपने फुटेज में देख लिया होगा, मैंने सारे कैमरे ऑन कर लिए थे, ये गोप्रो ऑन कर लिया था, ऊपर वाला भी कैमरा ऑन कर लिया था, तो जैसा भी है देखो गुजरात में नहीं चलती शराब तो नहीं चलती, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे टूरिस्ट बंदे आते हैं तो कोई साथ में कैरी कर भी लेता है, और स्पेशली पर्स भी चेक हुआ, इन लोगों को ये रहता है कि यार पर्स के अंदर वो कोई अलग तरीके के नशे तो नहीं है, तो क्योंकि हम तो बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले यूट्यूबर है, यू नो अबाउट मी। तो हमने चाय ऑर्डर की है, ये कोई गुजरात में हम एंट्री ले चुके हैं, तो गुजरात के ये कोई जगह है, जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा ही आ गए हैं, और चाय वगैरह पियेंगे एंड उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। एंड आज कोशिश तो ये है कि हम धोलावीरा पहुंच जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, कहते वो आगे के रास्ते थोड़े खतरनाक है, तो जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। एवरीबडी कब से चले ही जा रहे हैं, ये भी स्ट्रेट ही रोड है, रास्ते में ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गुजराती भाषा में तो मेरे को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कहीं अगर कोई देखने की जगह आ गई ना तो मैं उसको कैसे मतलब फाइंड आउट करूंगा। इंग्लिश के बोर्ड बहुत कम लगे हैं रोड्स पे। अभी मैं हूँ ऑन द वे टू धोलावीरा, जो कि रण में आता है, रण ऑफ कच्छ में। अभी हम हैं यहाँ गुजरात के ही कोई इलाका है, और यहाँ कुछ एक सब्सक्राइबर बन गए हैं, पहले नहीं थे अब बन गए हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं आज धोलावीरा का प्लान था, लेकिन यार लेट हो जाएंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी टैंक फुल कराए यहाँ से, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, यहाँ 92 लगभग 92.72 लगभग 3 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे। ये एक स्टोर मिला है यहाँ पे, कुछ एक चीज ले लेते हैं, आगे क्या होता है कि एग्जैक्टली हम जिस तरह की जगहों पे कैंपिंग करते हैं ना, वहाँ ब्रांड ब्रांड का कुछ ढंग का आइटम मिलता नहीं है। तो ये अपनी गाड़ी है, इधर एक जगह मिली है, यहाँ कहीं कैंप करेंगे और यहीं खाना खाएंगे, एक होटल मिला है यही ढाबे पे, क्योंकि आगे धोलावीरा शुरू हो जाएगा फिर चीजें कम आएगी, और धोलावीरा हम दिन में देखना चाहते हैं कच्छ, इसलिए हम आज इस होटल में रुकेंगे, बहुत स्पेस है, फिर पीछे की साइड में गाड़ी आराम से पार्क करेंगे। तो आज का हमारा डिनर इस राजस्थानी भाइयों के पास, लेकिन जगह है गुजरात, कल हम जाएंगे धोलावीरा, और कल मेरा बर्थडे भी है, तो जो भी रहेगा बाकी आपको कल ही दिखाएंगे।